इससे 54,451 कर्मचारियों की इस चुनाव के बाद नौकरी ही चली जाएगी। यह बीएसएनएल के 1,74,000 कर्मचारियों का 31% है। बोर्ड ने यह निर्णय लिया कि रिटायरमेंट एज अब 60 से 58 हो जाएगी, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लागू हो जाएगी, और दूसरी तरफ भारत सरकार बीएसएनएल को 4G 4G स्पेक्ट्रम दे ही नहीं रही। निजी कंपनियों को मिल जाता है पर सरकारी कंपनियों को डिनाई कर दिया जाता है। सिर्फ रिटायरमेंट एज अगर कम करेंगे तो उससे 33,568 कर्मचारियों की नौकरी चली जाएगी। पहली बार देश ने देखा, पहली बार 70 साल में, क्योंकि शायद मोदी है तो मुमकिन है, कि सरकारी कंपनी बीएसएनएल और एमटीएनएल महीनों तक अपने कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे पाई। सेलेक्ट प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उन्होंने रेट्स बहुत कम कर रखे हैं, क्योंकि बैंक का 1,30,000 करोड़ रुपया उन कंपनियों की तरफ आज भी देय है, पर बीएसएनएल और एमटीएनएल पर कोई भी कर्ज लेने पर मोदी जी ने पाबंदी लगा दी है, क्योंकि वो सरकारी कंपनियां हैं। कमाल की बात यह है दोस्तों कि आज तक मोदी सरकार ने बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम नहीं दिया, ना नए टावर्स आए, ना एग्जिस्टिंग टावर्स जो हैं उनकी रिपेयर या एक्सपेंशन हो पाई। और एक कमाल और भी है, 6 अप्रैल आ गया है, 6 अप्रैल को एमटीएनएल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि उसको 11,000 करोड़ रुपया जमा करवाना है लाइसेंस फीस, जो उसके पास है नहीं, सरकार देगी नहीं, और बैंक से लेने पर मोदी जी ने पाबंदी लगा दी है। इस प्रकार से कंपनी को मारा जाता है, बड़ा सीधा षड्यंत्र है। आप लोन ले नहीं सकते, आपकी आपका जो मालिक है मोदी सरकार वो आपको पैसा देगी नहीं, नेचुरली आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। जब ये सारे लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे, सारा स्पेक्ट्रम इनका कैंसिल हो जाएगा, तो वो किसको जाएगा? वो निजी कंपनियों को जाएगा। प्लेयर अब 3 रह गए हैं, तीनों में से किसी ना किसी को बांट कर दे दिया जाएगा। हमारा केवल एक ही सवाल है, मोदी जी आप 2,30,000 नौकरियां छीनकर बीएसएनएल और एमटीएनएल को एक तरह से जहर देकर, धीमा जहर देकर क्यों मार रहे हैं? और क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, मोदी जी व्हाई आर यू नॉट सपोर्टिंग द पब्लिक सेक्टर कंपनीज बीएसएनएल एंड एमटीएनएल एज यू हैव गिवन बेल आउट पैकेजेस टू प्राइवेट कंपनीज वर्थ लैक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ करोड़। एंड सेकेंड, Why are you snatching the jobs of BSNL and MTNL employees and are proceeding to murder these companies by slow poison? People of India will not forgive you for blatant practice of select crony capitalism in this nature. Any questions? You're welcome to ask. Yes, sir. हमारा सवाल बड़ा सीधा है, बीएसएनएल और एमटीएनएल इस देश में संचार क्रांति के सूत्र हैं। दे नीड अपग्रेडेशन, दे नीड अपस्किलिंग, दे नीड मोर फाइनेंसिंग, दे नीड एक्सपेंशन, दे नीड प्रोफेशनल मैनेजमेंट। आई एग्री टू ऑल दीस,
बट दिस गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड